कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बीजापुर रे बर्बर कांड, नक्सल हमला रे 22 जवान शहीद। 5 घंटा चलथिला एनकाउंटर, जवान को घेरिथिले 250 रु अधिक माओवादी। एनकाउंटर रे शहीद होउछंती 22 जवान, जणे एबे भी निखोज, 31 जण आहत होई हॉस्पिटल रे। सेपटे जवाबी आक्रमण रे 15 नक्सल सफा, 20 रु अधिक आहत होउछंती। नियतक भितर अछंती जणे महिला माओवादी। तीनोटी स्तर रे जवान का ऊपर को आक्रमण करथिले नक्सल, प्रथमे बुलेट, द्वितीय रे धारुआ हथियार और तृतीय रे देसी रॉकेट लॉन्चर रे करथिले अटैक। नक्सल को पाखरे थिला रॉकेट लॉन्चर, लाइट मशीन गन। हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 घायल हुए थे, उसको रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है, वो सब आउट ऑफ डेंजर हैं। और थोड़े बहुत और जो चोटें आई थी तो जिला अस्पताल में उसको भर्ती कर दिया गया, वो सब ठीक हैं। 21 लोग लगभग मिसिंग हैं, उसके रेस्क्यू के लिए टीम गई हुई। बीजापुर जिला बस्तर रेंज तारे अंचल होता गोली विनिमय, खबर था दुर्दांत नक्सल कमांडर हिडमा घटनास्थल मात्र 1 किलोमीटर दूर पवर्ती गांव में रही। सूचना मिलवा पर जॉइंट ऑपरेशन आरंभ कर CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस और जिला रिजर्व गार्ड। ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, अभी चलेगी, क्योंकि ब्रेन वॉश्ड लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको माओवादियों ने ब्रेन वॉशिंग की है और जो इंडॉक्ट्रिनेटेड ब्रेन वॉश्ड होते हैं वो आगे की आगे गांव में चलता रहता है और जंगल हम काट नहीं सकते। एनवायरमेंट और बहुत सी दूसरी जरूरियात की वजह से जंगलों को तो बढ़ावा दे रहे हैं, काट नहीं सकते। ऐसे हालात में उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, उन्होंने एम्बुश किया हमारी पार्टीज को, CRPF या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी हैं, और ऐसे एम्बुशेस चलते रहेंगे। उन एरियाज में डेवलपमेंट में सरकार लगी हुई है, साथ में हमें पूरा क्यूरिकुलम चेंज करना पड़ेगा। जो ये हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड क्यूरिकुलम यानी के सिलेबस है, उसको राष्ट्रवादी बनाना पड़ेगा। हिडमा नारे 2013 रे कांग्रेस आली ऊपर आक्रमण और 2017 रे 25 जवान को हत्या अभियोग रही। हिडमा संतोष इंदमूल और पोडियम भीमा नारे परिचित एनकाउंटर पर समीक्षा करछंती गृहमंत्री अमित शाह, शोक व्यक्त करछंती राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।